तो आज आ गया हमारे पास बोट एडोस 170 में, जिसको लेकर काफी कमेंट कर रहे थे कि भाई इसको रिव्यू करो, तो जबरदस्त पैकेजिंग वगैरह देखने को मिल रही बोट की, और 1700 की कीमत में ये वाले ईयरबड्स कितने इंटरेस्टिंग है, फटाफट से खोल के देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो टॉप पे तो बढ़िया ब्रांडिंग सेंडिंग कर रखी है इन्होंने और कुछ हाईलाइट्स वगैरह दे रखे हैं। अब पैकेजिंग के अंदर थोड़ा भारीपन लग रहा है मुझे, ये क्या चीज लेके आया भाई, ये कुछ नया मुजस्सिमा देखने को मिला बोर्ड की तरफ से, प्लास्टिक केस। किसने बनाया ये मुजस्सिमा, किसने बनाया ये मुजस्सिमा, मतलब इतने सस्ते दाम में इतना महंगा आइटम। तो अंदर देखो तो बढ़िया से यहाँ पे तुमको ईयरबड देखने को मिल जाते हैं, इनको रखते हैं नीचे, और पीछे की पेटी खोलोगे तो यहाँ तुम्हें मिल जाते हैं एक्सेसरीज, एक तो चार्जिंग केबल है बढ़िया टाइप सी वाली, और एक्स्ट्रा सिलिकॉन के तुम्हें एयरटेस मिल जाते हैं। ये इससे मैं बहुत परेशान हूँ यार बोर्ड से, क्योंकि देखो ये बहुत सारा इतना सारा कागज दे देते हैं, इको फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी, और ये प्लास्टिक केस भी दे दे नया, कुछ सब कुछ सीखना चाहिए यार दूसरे ब्रांड से, जो आजकल QR कोड देते हैं उससे स्कैन करो और फटाफट तुम्हें सारी मैनुअल वारंटी वगैरह मिल जाती है, बट क्या करें बोर्ड कब सुधरेगा पता नहीं। खैर प्रोडक्ट देख लेते हैं, तो प्रोडक्ट तो बढ़िया मैट फिनिश में देखने को मिलता है, और मुझे तुम जानते हैं मैट फिनिश से कितना प्यार है तुम समझते हो, बट यहाँ पर एक चीज मुझे बहुत प्यारी लगी कि जो नीचे से फ्लैट दे रखा है, तो तुम किसी भी सरफेस पर रख सकते हो इजीली, कितने प्यारे तरीके से रखा जाता है, गिरते विरते नहीं है। अब यहाँ पर बोर्ड की बढ़िया ब्रांडिंग कर रखी है, और फ्रंट में तुम्हें बैटरी इंडिकेशन मिल जाता है, नीचे यहाँ पर तुम्हें टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। अब अगर अंदर ईयरबड्स को लेकर बात करूँ ना, तो यहाँ पर दो टेक्सचर आपको देखने को मिलते हैं, एक तो रेड का, ये हल्का से उन्होंने यहाँ पे ईयर टिप्स यूज करें, और ब्लैक में, और ग्लॉसी और मैट का दोनों कॉम्बिनेशन है, तो वो चीज मुझे काफी से लगी। और अगर फिटिंग की बात कर ले हम लोग यहाँ पे, तो दोनों को पहन लेता हूँ और देखता हूँ थोड़ा, फिटिंग तो नो डाउट बहुत टॉप नॉच है, और केवल देखो मैं इसको डब्बे में भी रख देता, वैसे मैं इसको 2-3 दिन से यूज कर रहा हूँ, अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैंने स्टोरी डाली भी थी इसकी, तो काफी जबरदस्त फिटिंग आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर एक चीज तो मैं दिखाऊं, मैं ईयरबड्स में तो यहाँ देखो लाइट इंडिकेशन दिख रहा है, तो लाइट इंडिकेशन मिल जाएगा, और इसके अंदर 4 माइक्रोफोन लगा रखे हैं उन्होंने, ताकि आपको बढ़िया ANX टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिससे आसपास की जो भी नॉइज है वो ये रिड्यूस कर देता है। तो कॉल टेस्ट कर लेते हैं, पर पहले इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट करने के लिए फोन को लेके आया जाए इधर, और तो मैंने इसे केस में रख दिया, तो कि तुम्हें एक बहुत मस्त चीज दिखाने वाला हूँ, इसमें इंस्टा पेयर वाली टेक्नोलॉजी दे रखी है, तो जैसे तुम इसको खोलोगे ना, ये देखो एडोस 175 वाला देखना तुम यहाँ पे क्लोजअप में, जैसे ही मैं इसको बाहर निकालूंगा ये देखो, मच 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 लेटर, ये देखो कनेक्टेड दिखा रहा है, ये है इसमें इंस्टा पेयर वाली टेक्नोलॉजी। अब इसको फटाफट से जरा कनेक्ट करते हैं और एक कॉल लगा के देखता हूँ मैं किस तरह की कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस देता है। तो गाइस अभी आवाज सुन रहे हो ना, वो अभी इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो यानी कि ईयरबड्स के, बट अभी मेरे MS इतनी नॉइज नहीं, सब बंद कर रखा है मैंने, बस सिर्फ एक AC चल रहा है, पर उसकी आवाज इतनी आ नहीं रही है, और उसके मैं रिमोट जरा फैन चालू करके देखते हैं, इफेक्ट मालूम पड़ेगा कितना फर्क है दे रहा है। तो मैंने अभी फैन चालू किया, थोड़ा सा उसको जरा चालू जाम दो, उसका देखते हैं कि जो ANX टेक्नोलॉजी है कितनी इफेक्टिवली वर्क कर रही है। तो फैन ऑन हो गया है, धीरे धीरे घूमना शुरू हो गया, इसने फुल पे कर दिया इसको मैंने, मालूम पड़ रहा कुछ आवाज आ रही है तुम्हें, फैन की आवाज आ रही है। तो ये जो है ना, मतलब कुछ इस तरीके से काम करता है, मतलब इसमें 4 माइक्रोफोन दे रखे हैं, तो परफॉर्मेंस जो तुम्हें बढ़िया मिल जाएगी कॉलिंग वगैरह के टाइम पे, ठीक है इफेक्टिवली थोड़ा सा अच्छे लगे मुझे परफॉर्मेंस की। अब बाकी इन्होंने इसमें ना 10mm के ड्राइवर्स भी दे रखे हैं, तो कुछ थोड़ा म्यूजिक भी बजा ही लेते हैं, और इतना पैन की टेस्टिंग करी है तो थोड़ा गाने वाने बजा के भी सुन ही लेते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। तो म्यूजिक में जाके कुछ गाने बजाते हैं अमेजोन पे, लोड है आईफोन भी देखो लैग कर रहा है, इतना लैग, क्या कौन सा फोन खरीदूं फिर मैं, ये देखो परेशान है, ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है अभी एकदम ट्रेंडिंग, वॉल्यूम फुल कर दी मैंने, थोड़ा आगे बढ़ा के थोड़ा बेस वगैरह टेस्ट करें, साउंड क्वालिटी मस्त है, मतलब जो लोज हाई सभी जो है प्रॉपर बैलेंस कर रखे हैं, और बेस से अगर मैं बात करूं इम्पैक्टफुल बेस आपको देखने को मिल जाता है। एक चीज थोड़ी सी कहना चाहूंगा कि जब हाई वॉल्यूम पर जाओगे ना तुम, यानी फुल 100% भी जब तुम प्ले करोगे ना, तो थोड़ा सा क्लैरिटी में तुम्हें फर्क देखने को मिलेगा, और आसपास की चीजें मतलब बिल्कुल सुनाई नहीं देती है, तो मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप 80% ऑफ वॉल्यूम पे सुनो इसको, तो जो एक्सपीरियंस है आपका लिसनिंग के टाइम पे काफी बेहतर रहने वाला है। बाकी चीजों की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिलता है, और कनेक्टिविटी आपको स्टार्टिंग में दिखा दी, कनेक्टिविटी काफी अच्छी, मतलब जैसे ईयरबड्स निकालते हैं फटाक से कनेक्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे 10 मीटर की रेंज दे रखी है उन्होंने, यानी कि अगर आप 10 मीटर में कहीं भी लेके घूमोगे, मैं जिम में इसको पहन के घूमता हूँ, कनेक्टिविटी काफी टॉप नॉच है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, वो है वाटर रेटिंग को लेके, तो IPX4 रेटेड है, तो नॉर्मल हल्का फुल्का जो तुम्हारा जो स्वेट है उसको इजिली रेजिस्ट कर जाते हैं, ऐसी कोई तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। और यहाँ पर जो है बैटरी परफॉर्मेंस वो काफी सही मिल जाती है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 400mAh की बैटरी दे रखी है इसके केस में, और 40mAh की बैटरी दे रखी है इन्होंने ईयरबड्स में, और कंपनी का ऐसा कहना है कि ये एक चार्ज में 8 घंटे का परफॉर्मेंस देंगे,
देंगे एट 60% ऑफ वॉल्यूम, यानी कि 60% वॉल्यूम में तुम सुनोगे तो तुम्हें काफी अच्छी प्ले परफॉर्मेंस मिल जाती है, यानी कि 8 घंटे बहुत होता है मतलब, और एवरेज वाइज ही मान के चलो 6-7 घंटे इजिली चल जाएंगे। और मैं इसको पहले दिन से यूज कर रहा हूँ, चार्ज मैंने इसको बिल्कुल नहीं किया है और 2-3 घंटे मैंने इसको डेली यूज किया है, परफॉर्मेंस काफी अच्छा है बैटरी का। वहीं चार्जिंग केस के साथ आपको और एक्स्ट्रा बैकअप देखने को मिल जाएगा, 27 आवर्स का एक्स्ट्रा बैकअप आपको विद केस देखने को मिल जाता है। अब बढ़िया बात पता है यहाँ पे क्या है, टाइप सी पोर्ट मतलब आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, तो 10 वॉट का तुम यहाँ पे चार्जर मैक्स टू मैक यूज कर सकते हो। और इसके साथ में तुम्हें इंस्टा चार्ज वाली टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है बोर्ड की, जहाँ पे तुम इसे 5 मिनट चार्ज करो तो 75 मिनट तक प्लेबैक एक्सपीरियंस तुम इससे ले सकते हो, तो बैटरी परफॉर्मेंस भी काफी इफेक्टिव तुम्हें यहाँ पे मिल जाती है। अब बाकी जो खरीदने वाले हैं, तो खरीदने वाले तो ये भी सोचेंगे कि हमें गेमिंग वगैरह के हिसाब से इसको खरीद सकते हैं क्या, तो एक चीज कहना चाहूंगा कि गेमिंग के हिसाब से उतने इफेक्टिव ही नहीं है। मतलब नॉर्मल कैजुअल गेमिंग अगर आप कर रहे हो, मतलब थोड़े बहुत छोटे मोटे गेम खेल रहे हो तो ठीक है, कॉल ऑफ ड्यूटी ऐसे बीजीएमआई ऐसा गेम खेल रहे हो तो फिर वहां तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बाकी नॉर्मल कैजुअल गेम्स इजीली प्ले ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पे जो टच फंक्शन दे रखा है उसमें तुम्हें एक चीज बता दूं कि यहाँ पर तुम्हें वॉल्यूम कंट्रोल नहीं मिलता है। बोट की ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि उससे काफी सारे ईयरबड्स में आपको वॉल्यूम कंट्रोल नहीं मिलता, बाकी सारे फंक्शन मिल जाएंगे, ट्रैक्स वगैरह तुम इजीली फॉरवर्ड कर सकते हो, बैकवर्ड भी कर सकते हो, प्ले पॉज कर पाओगे, और यहाँ पे असिस्टेंट को भी तुम इजीली जो है ईयरबड्स के थ्रू वेक कर सकते हो। तो ओवरऑल में प्राइसिंग के हिसाब से 1700 रुपए में मुझे कहीं ना कहीं बेहतर लगे एक चीज में, जो कि फिटिंग के मामले में, फिटिंग काफी अमेजिंग है। दूसरा यहाँ पर इसकी जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो काफी तगड़ी तुम्हें मिल जाती है, तो अगर इस प्राइस पॉइंट पे तुम इसे चेकआउट करना चाहते हो तो मैं कह सकता हूँ कि तुम इसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा डिवाइस मिल जाता है, बेस्ट नहीं कहूंगा बट स्टिल एक बेटर ऑप्शन आप लोगों के लिए बन जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से तुम इसको देख सकते हो। बाकी जाते थे बस यही कहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों का शेयर करना, और पहली बार चैनल पे आओ सब्सक्राइब जरूर मार देना, ताकि ये जो मोहब्बत है हमारी आगे भी इसे बनी रहे। बाकी मिलते हैं चल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटन रहेगा इंदौर एक्सप्लोर के साथ।